अधिरूद भाव यार तार ये विकार मनुषेर देह देखी बड़ा चमत्कार। तो सर्वम भट्टाचार्य बहुत बुद्धिमान है, वो समझ गए हैं महाप्रभु के शरीर पे जो भाव है इसका और एक नाम है अधिरूद भाव, तो सिर्फ गोपियों के स्तर पे गोपियों के शरीर पर दिखता है। तो सर्वम भट्टाचार्य इतने आश्चर्य में है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर ये सब भाव कैसे हैं। एत चिंती भट्टाचार्य आचेन वसिया नित्यानंद सिंह द्वारे मिलीला आसिया। तो जब सर्वम भट्टाचार्य महाप्रभु को अपने घर लेके आए हैं, उस समय महाप्रभु के पार्षद वहाँ नहीं पहुँचे थे, क्योंकि क्या होता है जब जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं ना, जगन्नाथपुरी में आने से पहले एक स्थान है जहाँ पे एक नदी बहता है, भागी नदी। तो ये नदी में महाप्रभु स्नान करने के लिए गए थे और उन्होंने अपना दंडा नित्यानंद प्रभु को दिया था, और जब वापस आए स्नान करके नित्यानंद प्रभु ने दंडा तोड़ दिया। तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को पूछा, अरे मेरा संन्यास दंडा कहाँ है? तो नित्यानंद प्रभु बोले, देखो आप जब भाव में कीर्तन कर रहे थे आप मेरे ऊपर गिर गए, हम दोनों डंडे के ऊपर गिर गए और डंडा टूट गया। तो महाप्रभु को पता था नित्यानंद प्रभु तो झूठ भी बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, कुछ भी कर सकते हैं। तो महाप्रभु को भारी रूप से थोड़ा गुस्सा आता है, वो नित्यानंद प्रभु और भक्तों को बोलते हैं, देखो अभी से मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, आप आगे जाना मैं पीछे आऊँगा, या मैं आगे जाऊँगा आप पीछे आना। तो मुकुंद सब भक्त बोलते हैं महाप्रभु आप आगे जाना। तो महाप्रभु वहाँ से अकेले भागते हैं। तो जब महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर प्रवेश किया, महाप्रभु के भक्त नहीं थे, नो वन वॉज देयर टू प्रोटेक्ट महाप्रभु, इसे सर्व भट्टाचार्य उनके घर लेके गए। तो जब नित्यानंद प्रभु और बाकी जो तीन भक्त हैं जगन्नाथपुरी मंदिर आते हैं, वहाँ के लोग उनको बताते हैं एक सन्यासी आया था, पता नहीं उसको क्या हो गया, बेहोश होकर गिर गया, सर्वम भट्टाचार्य के घर चले गए। तो सब भक्तों को समझ में आया ये अपना ही है श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि ऐसा अनुभव तो उन्होंने बहुत किया है। तो ये सब लोग सर्वम भट्टाचार्य से मिलने के लिए आ गए। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु इत्यादि सिम्मत द्वार से पहुँचते हैं। तहाँ सुने लोक कहे अन्योय भात एक सन्यासी आसी देखी जगन्नाथ। तो नित्यानंद प्रभु इत्यादि जब सिम्मत द्वार में आते हैं, लोगों के बीच में बातचीत चल रहा है, अरे पता है क्या आज एक सन्यासी आए थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। मूर्छित हईला चेतन ना हय शरीर सर्वभौम लान गेला अपनार घरे। तो मूर्छित होके गिर गए, उनका चेतना नहीं है अभी, सर्वम भट्टाचार्य उनके उनको अपने घर लेके गए।